एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों पूरी दुनिया में शायद कोई भी नहीं हो सकती। चाहे कोई बिजनेस चले ना चले, जॉब मिले ना मिले, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क अच्छी खेती बाड़ी के ना होने से पड़ता है। इसीलिए एग्रीकल्चर का काम पूरी दुनिया में अगर अच्छे से चलता रहे तभी दोस्तों अच्छी बात रहेगी पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के चलते दोस्तों हम सब बड़े ही मज़े के साथ फूड को खा पाते हैं। और जो देश आज के दिन एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं उन सभी को एक बार शुक्रिया तो ज़रूर बनता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए दोस्तों ह्यूमंस के लिए खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो एग्रीकल्चर के मामले में ना बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर हैं। इस कंट्रीज़ में दोस्तों उन्हीं 10 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही बड़े लैंड पर आपको एग्रीकल्चर करती हुई नज़र आएंगी, जो बेहद ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती हैं। और साथ ही दोस्तों ये भी आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के काम से जुड़े हैं। कई बड़े दोस्तों इंडेक्सेस के डेटा को मिलाकर ये 10 कंट्रीज़ की लिस्ट तैयार हो पाई है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। और हाँ, अभी बता दूं कि हमारा इंडिया भी ना इसी लिस्ट में आपको देखने को मिलने वाला है, तो इंडिया है तो वीडियो आखिर तक देखनी बनती है। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों टर्की का। टर्की एक बेहद ही ज़्यादा बड़ा देश है और दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर के काम से जुड़े हुए नज़र आएंगे। टर्की में दोस्तों तकरीबन एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के काम से जुड़ा है। यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 19.2% लोग तो एग्रीकल्चर के काम से ही जुड़े हैं। तो दोस्तों ना सिर्फ फूड मिलता है बल्कि काम करने के लिए पैसा भी। मैं आप सभी को बता दूं कि लार्जेस्ट तरीके से दोस्तों टर्की पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है एप्रिकॉट्स, फिक्स और रेजिन्स के साथ साथ हेजल नट को प्रोड्यूस करने के मामले में। और पूरी दुनिया में दोस्तों ये 6ठे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टोबैको का, तो वहीं टर्की पूरी दुनिया का 4था सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रेप्स और वेजिटेबल्स का, यानी अंगूर काफ़ी ज़्यादा टर्की से आते हैं पूरी दुनिया में। टर्की में खेती का काम इतना ज़्यादा अच्छे से हो पाता है इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी, जो कि काफ़ी अच्छी है। धूप भी यहाँ अच्छे से खिली रहती है और मौसम काफ़ी कमाल बना रहता है जिसके चलते क्रॉप्स अच्छे से तैयार होती हैं। साथ ही टर्की में दोस्तों वीट को भी बेहद ही बड़ी मात्रा में यहाँ उगाया जाता है, और इसके अलावा मिल्क के साथ साथ शुगर का काम भी अच्छे से टर्की में बढ़िया संभाला जाता है। बात अगर आगे बढ़ते हुए नंबर 9 की करें तो नाम आता है दोस्तों जर्मनी का। यूरोप की एक शानदार कंट्री है और ये भी दोस्तों एग्रीकल्चर के काम में ना लगातार काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी है, और इनकी तो टेक्नोलॉजी भी कमाल लेवल की है जो कि इन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद भी करती है। एग्रीकल्चर के काम के अलावा जर्मनी का काफ़ी फोकस आपको देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों पोल्ट्री पर, पोटैटोस पर, मिल्क पर और बीफ के ऊपर, साथ ही शुगर भी ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि इस देश का 80% हिस्सा तो ऐसा है जहाँ पर आपको सिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, और इस 80% इलाके में आपको एग्रीकल्चर का काम होते हुए नज़र आएगा, और जहाँ फिर बाकी का एरिया दोस्तों फॉरेस्ट ही है। तो बहुत ही बड़े एरिया में यहाँ दोस्तों जर्मनी खेती करता है, यही वजह है कि शायद ये लिस्ट में इतना ज़्यादा हाई रैंक कर पाया है। जर्मनी के लोगों के पास लैंड भी दोस्तों अच्छी खासी होती है, और आंकड़ों के मुताबिक यहाँ के 87% फार्मर्स के पास आपको 124 एकड़ लैंड देखने को मिलेगा खेती बाड़ी करने के लिए। नंबर 8 की तरफ पढ़े तो दोस्तों नाम आता है जापान का। एशिया का ये देश टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है ही, लेकिन कल्चर इनका कमाल है और खेती बाड़ी यहाँ अच्छे से आज भी बहुत ही ज़्यादा की जाती है। जापान की जीडीपी बेहद ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इस जीडीपी में एग्रीकल्चर का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जापान की दोस्तों टोटल जीडीपी का तकरीबन 2% हिस्सा तो सिर्फ एग्रीकल्चर के पैसे से आता है, तो काफ़ी डिपेंड है दोस्तों एग्रीकल्चर के ऊपर भी ये देश। रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि पूरी देश की दोस्तों जितनी भी आबादी है उसमें से तकरीबन 10% ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में नहीं सोते बल्कि फार्म्स में ही सोना पसंद करते हैं। काम से इतना प्यार है कि सोते भी फार्म्स में हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां पर दोस्तों चावल की खेती बेहद ही ज़्यादा बड़ी तादाद में की जाती है हमेशा से, लेकिन ये बात देखने को आई है कि पिछले कुछ सालों में ना यहाँ पर इसकी खेती में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है, और यहाँ पर दोस्तों 20% की डिक्रीजिंग रेट देखने को मिली है राइस की प्रोडक्शन में।
नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है मेक्सिको का। मेक्सिको का वेदर और क्लाइमेट दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, और इसकी इकॉनमी काफ़ी डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर के काम के ऊपर। पूरे देश का 15% लैंड तो दोस्तों ऑक्यूपाइड है सिर्फ एग्रीकल्चर के कामों के लिए, यानी इतने परसेंट एरिया में तो आपको सिर्फ एग्रीकल्चर का काम होता हुआ ही नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छे खासे एरिया में दोस्तों यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर का काम करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ की खेती बाड़ी की सबसे मेन क्रॉप्स हैं दोस्तों वीट, शुगर केन, पेपर्स, कॉर्न, बनानास और साथ ही दोस्तों ब्लू एगेव, साथ ही दोस्तों एवोकेट्स, बीन्स के साथ साथ यहाँ फ्रूट्स की भी खेती काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेक्सिको को बेहद ही ज़्यादा बेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है फ्रूट्स का, कॉफ़ी का, वेजिटेबल्स का और शुगर का भी। नंबर 6 की बात करें तो नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस में दोस्तों एग्रीकल्चर का काम बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है, और आज के दिन बहुत सारे इंडियंस भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं फ्रांस में। ये कमाल की यूरोपियन कंट्री दोस्तों बहुत ही बड़ी तादाद में ऑयल, सीड्स, सीरियल्स, शुगर, बीट्स, मिल्क, वाइन और बीफ के साथ साथ दोस्तों दूसरे कई फ्रूट्स को बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में उगाती हुई नज़र आएगी। फ्रांस एक बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है अल्कोहल ड्रिंकिंग और बीवरेजेस के मामले में, और ये पूरी दुनिया की 6% नीड को पूरा कर देता है दोस्तों अल्कोहल को और बीवरेजेस को। नंबर 5 की दोस्तों बात करें तो नाम आता है रशिया का। शुगर बीट का काम रशिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। रशिया में जितना भी लैंड एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों रखा गया है उसमें से 13% लैंड के ऊपर तो इसी की प्रोडक्शन होती है। साथ ही वीट और पोटैटोस का काम भी यहाँ बहुत ही भारी भरकम मात्रा में किया जाता है। रशिया देश की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सही में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और रशिया की टोटल GDP का लगभग 6% हिस्सा है, यानी रशिया की GDP में एक बहुत ही बड़ी दोस्तों कमाई ला कर देती है इनकी एग्रीकल्चर। और पूरे देश की अगर एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो 16% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है दोस्तों हर साल सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी के कामों के चलते। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ तो हिसाब किताब बैठा हुआ है रशिया में एग्रीकल्चर के कामों का। और पूरे खेतीबाड़ी का 13% हिस्से में तो दोस्तों शुगर बीट, वीट और पोटैटो सी होते हैं, यानी आलू की खेती भी यहाँ काफ़ी देखने को मिलती है। नंबर 4 पर नाम आता है दोस्तों ब्राज़ील का। साउथ अमेरिका की ये कंट्री भी ना खेतीबाड़ी के चलते पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। शुगर केन की प्रोडक्शन के मामले में दोस्तों ब्राज़ील पूरी दुनिया में लीडर माना जाता है, यानी पहले नंबर पर है दोस्तों शुगर केन की खेती करने के मामले में ब्राज़ील। इसके अलावा सोयाबीन की खेती करने के मामले में दोस्तों ये पूरी दुनिया में आता है नंबर 2 पर। मैं आप सभी को बता दूँ कि ये देश हर साल 600 मिलियन टन शुगर केन की प्रोडक्शन करता है। साथ ही दोस्तों ब्राज़ील ग्लोबल में बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है कॉफ़ी, बीफ और सोयाबीन के चलते। ब्राज़ील में खेतीबाड़ी का जितना भी काम है उसमें से दोस्तों तकरीबन 19% हिस्सा तो सोयाबीन के प्रोडक्शन से ही आपको कवर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ब्राज़ील देश में आपको जितना भी एरिया देखने को मिलेगा उसमें से तकरीबन 41% लैंड तो दोस्तों ऑक्यूपाइड है एग्रीकल्चर के काम के चलते। बहुत ही बड़ा देश है तो बहुत ही बड़े हिस्से पर दोस्तों खेती भी होती है। नंबर 3 की तरफ पड़े तो नाम आता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का रुतबा एग्रीकल्चर के काम में बहुत ही अव्वल दर्जे का है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की भी बहुत ही ज़्यादा मदद लेता है एग्रीकल्चर के काम में। एग्रीकल्चर के काम में अमेरिका का दोस्तों फ़ायदा, और इसकी प्रोडक्शन हर साल लगातार 5% बढ़ रही है 1990 के बाद, तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है यहाँ एग्रीकल्चर का। जितने भी लोग आज के दिन दोस्तों अमेरिका में खेतीबाड़ी का काम करते हैं उनकी हर साल दोस्तों इनकम में 0.84% की इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलती है, यानी यहाँ खेतीबाड़ी करने वालों की कमाई हर साल थोड़ी तो ज़रूर बढ़ती है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन की जाती है उसमें से 80% हिस्सा तो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है वीट की प्रोडक्शन के लिए, यानी वीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा भी दोस्तों अगर इसकी मेजर क्रॉप्स की बात की जाए तो उसमें नाम आएगा शुगर केन का, पोटैटोस का, कॉफ़ी का, शुगर बीट्स का और बनानास का। अमेरिका में वैसे कॉमनली आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली जो फसल देखने को मिलेगी वो है कॉर्न, यानी मक्की। अमेरिका ने दोस्तों 24,78,82,000 मैट्रिक टन की कॉर्न का उत्पादन किया, तो वहीं दूसरा नंबर आता है सोयाबीन का जिसका उत्पादन हुआ 74,59,008 मैट्रिक टन। और तीसरी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली फसल है यहां पर 69,32,07,000 मैट्रिक टन के साथ गेहूँ यानी कि वीट।
नंबर दो पर नाम आता है दोस्तों हमारे महान देश इंडिया का। मैं जानता हूँ आप सभी को ना इसी कंट्री का वेट था, हमारे अपने देश का नाम सुनने के लिए आप सब बेकरार थे। पूरे देश की दोस्तों 58% आबादी तो ऐसी है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के काम के चलते ही अपनी पेट पूजा कर पाती है, और उनकी कमाई सिर्फ एग्रीकल्चर के काम के चलते ही हो पाती है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर के काम से जुड़ी है। पूरे देश की आज भी दोस्तों जितनी जीडीपी आपको देखने को मिलेगी उसमें से 18% जीडीपी तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड देखने को मिलती है। इंडिया बहुत ही बड़ा देश है दोस्तों, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर के ऊपर ना इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है। तो इससे ही पता चलता है एग्रीकल्चर हमेशा ही इंडियंस के खून में रही है। इंडिया की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में पिछले 14 साल में 11% का दोस्तों आपको इंक्रीज रेट देखने को मिलेगा, यानी पिछला एक टैके इंडिया के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल रहा। लेकिन आने वाला समय में इंडिया के किसानों के पूरा नाम रहे मैं तो यही चाहूँगा, तभी देश तो तरक्की कर पाएगा, वरना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। दुनिया में आपको जितने भी दोस्तों फ्रूट्स देखने को मिलेंगे उनमें से ज़्यादातर फ्रूट्स इंडिया ही उगाता है, और फ्रूट्स के मामले में इंडिया के साथ ना कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में इंडिया जो फ्रूट्स बनाने में नंबर वन है वो फ्रूट्स हैं दोस्तों बनाना, गुआवा, मैंगो, लेमन, पापाया। इसी के साथ दोस्तों वेजिटेबल्स में चिकपिया बनाने के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पर है। साथ ही दोस्तों इंडिया पूरी दुनिया में नंबर वन कंट्री है मिल्क के प्रोडक्शन करने के मामले में, और ड्राई फ्रूट्स के मामले में इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर दो की। तो वहीं फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया आता है नंबर तीन पर। तो एग के मामले में इंडिया पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है। तो पाँचवीं नंबर की दोस्तों कंट्री इंडिया बनती है पोल्ट्री प्रोडक्शन के मामले में। हर प्रोडक्ट हर चीज़ में इंडिया अव्वल है, इसमें तो इंडिया की तारीफ बनती है। इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया की दोस्तों लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री भी है। तो इंडिया का रुतबा पूरी दुनिया में बहुत ही अव्वल दर्जे का है। साथ ही दोस्तों राइस को प्रोड्यूस करने में भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे माना जाता है। चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं नंबर एक के देश को, और नंबर एक है आज के दिन चाइना। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अनुसार आज के दिन ना एग्रीकल्चर के मामले में चाइना का रुतबा काफ़ी बड़ा है, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए क्योंकि लैंड भी इनका बेहद ज़्यादा है और लोगों की भी इनके पास कोई कमी नहीं है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। चाइना की प्रोडक्शन का रुतबा आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में दोस्तों जितने भी लोग आज के दिन खाना खाते हैं ना उसमें से 22% लोगों को खाना मिलता है चाइना के चलते। हर 100 में से 22 लोग चाइना का दिया हुआ खाना ही खाते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा लेवल है दोस्तों एग्रीकल्चर में इस देश का। चाइना के लैंड को दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होने के चलते यहाँ फ्रूट्स भी अच्छे से उगते हैं, वेजिटेबल्स भी, और हर तरह की खेती बाड़ी यहाँ काफ़ी आसानी से हो जाती है। वेजिटेबल्स दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छे से उगते हैं। इसके अलावा पूरे चीन में 5,45,000 और 960 वर्ग किलोमीटर की भूमि दोस्तों आपको पूरी तरह से सिंचित देखने को मिलेगी। तो खेती बाड़ी का काम यहाँ काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार। इसके अलावा चाइना लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों पूरी दुनिया में राइस प्रोड्यूस करने के मामले में, और राइस के मामले में चाइना पूरी दुनिया में आती है नंबर एक पर। साथ ही चाइना सोयाबीन्स के चलते, वीट के चलते, मिल्ट के चलते और कॉर्न के चलते भी अपना रुतबा बहुत ही ज़्यादा हाई रखती है पूरे वर्ल्ड में। ये थी दोस्तों बहुत ही बढ़िया वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि दुनिया की 10 कौन सी कंट्री हैं जहां पर खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे की होती है और बहुत ही अच्छे से रैंक करती हैं ये कंट्री बहुत ही हाईली एग्रीकल्चर के काम में। अच्छी बात यह है कि इंडिया इस वीडियो में आया। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताना, ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए दोस्तों डेली लानी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।